हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था, टाउन 15 की सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे, क्या क्या अपग्रेड करने वाले हैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में अगर आपने किसी ने नहीं देखा है कि हमने पिछले वीडियो में क्या अपग्रेड किया था, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, वीडियो चैनल पर पड़ा है। तो आज क्या क्या अपग्रेड करेंगे, पहले तो यहाँ पे दो मेरे काम पे है, ईगल आर्टरी जो 5 दिन है, और पिछले वीडियो में हमने एक एयर डिफेंस डाला था, तो अब 3 बिल्डर खाली है, उसे किस तरह लगाना है आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। एज इन अपग्रेड करने वाला हूँ, आपको कुछ नहीं बताने वाला, मैं अपग्रेड करूंगा। और भाई यहाँ पे हमारे पास एलिक्सर भर भर के पड़ा है, गोल्ड भी भर भर के पड़ा है। तो सबसे पहले हमारी रिसर्च खाली है, पिछले वीडियो में हमने रिसर्च में ड्रैगन राइडर डाला था, ड्रैगन राइडर हमारा हो चुका है अपग्रेड, तो हम उसको अभी लेवल 3 पे डालेंगे, क्योंकि हमने एक आर्मी पूरी कंप्लीट करनी है, तो हाइड्रा आर्मी मैं तैयार कर रहा हूं। तो यहां पे मेरा ड्रैगन राइडर हम डालेंगे, 1,65,00,000 का ड्रैगन राइडर है लेवल 3 पे, और भाई यहां पे खतरनाक दिन मेरे जाने वाले हैं। तो यहां पे हमारे पास गोल्ड कुछ बच गया है, तो अब मेरा एलिक्सर का काम तो हो चुका है, अब बचा है मेरे पास डार्क लीजर और बचा है हमारे पास गोल्ड, और 3 मिल्डर खाली। अब इसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे, सबसे पहले पेट हाउस में आ जाऊंगा, क्योंकि भाई पेट हाउस में भी अपग्रेड करना जरूरी है। तो मैं सोच रहा हूँ फिनिक्स को सबसे पहले डालूँ, फिनिक्स मुझे सबसे पहले अपग्रेड चाहिए। भाई जो हीरोज की 5 सेकंड की हेल्थ है ना, वो बहुत काम की आती है, इतना याद रखना। तो मैं फिनिक्स को सबसे पहले अपग्रेड करूंगा। भाई तो यार पे 2,30,000 ले रहा है साला, 3 दिन में अपग्रेड हो जाएगा, वापस जमा करते करते मेरी जिंदगी निकल जाएगी। अब मेरे पास 3 बिल्डर खाली, अब मैं इसको कैसे लगाऊं। देखो यहाँ पे एयर डिफेंस तो लगाना ही है, तो एयर डिफेंस ले रहा है 1,70,00,000, ठीक है, तो एक एयर डिफेंस तो हमें ऐसे डालना ही होगा। उसके बाद हमारे पास 36,00,000 ही बचे, अब इसको अपग्रेड कैसे करें। देखो यहाँ पे मैंने एक बिल्डर मुझे क्यों लगाना है पता है, एक बिल्डर मैं यहाँ पे लगाऊंगा जो कम टाइम लेगा, मतलब एक बिल्डर ऐसे लगाना है, अगर आपके पास टाउन हॉल रश है तो एक बिल्डर आप ऐसे लगाओ जहाँ पे आप जल्दी से जल्दी आपका बिल्डर आपको मिल सके। जब इस टाउन पे मैं काम नहीं कर रहा था ना, मैंने मतलब बहुत सारे डार्क एलिक्सर ड्रिल, एलिक्सर कलेक्टर्स, गोल्ड माइंस, ये सारी चीज़ें पहले जल्दी से अपग्रेड करी थी इतने तक लेवल तक, वरना ये सब लेवल 2-2, 3-3 लेवल के थे। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे एक ड्रिल डाल दी है, अब हमें एक चीज़ एक आर्मी और डालनी है, एक बिल्डर हमें और काम पे लगाना है जो यहाँ पे 16 होगा। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ सबसे पहले विजार्ड टावर को 10 कर दूँ, ये वाले विजार्ड टावर को, और हमें इसके लिए थोड़ी लूट चाहिए, तो हम इसके लिए एक अटैक के लिए जाएंगे। हम छोटे वाले भी डाल सकते हैं, लेकिन एक बार मैं इसको 10 पे पहुँचाऊंगा, उसके बाद सारे विजार्ड टावर को लाइन में 10 पहुँचाऊंगा। तो हमारी आर्मी तैयार है, हम जाएंगे सीधे अटैक पे। और भाई अगर आपने वीडियो लाइक नहीं मारा ना, तो लाइक मार देना, क्योंकि ऐसी और इंटरेस्टिंग 12, 13, 10, 11 सब टाउन के लिए आएगी। तो चलते सीधा पहले अटैक पे। देखो भाई लोअर लीग पे रहने का सबसे बेस्ट फायदा ये मिलता है, अब यहाँ पे 9,00,000 की गोल्ड की लूट है और 11,00,000 की अपने को मिल गई है एलिक्सर की लूट। तो यहाँ पे अपने छोटे से छुपे रुस्तम को हम छोड़ेंगे, 10 हमारे पास चोर है, तो ये 10 कलेक्टर तो ऐसे ही खाली कर लेंगे, और बाकी हम एक एक करके ड्रैगन से निकालते हैं। और ये आर्मी मैं प्रीफर करूँगा, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो ये आर्मी सबसे बेस्ट है फॉर लूटिंग। 10 सुपर गॉब्लिन लेके जाओ, बाकी आपके हाउसिंग स्पेस के हिसाब से आपको बलून्स और ड्रैगन्स लेके जाने हैं, और भाई आपको इजीली लूट मिल जाएगी। देखो मैं एक साइड से क्लियर करता हूँ, जहाँ जहाँ लूट है पहले वो 2-4 ड्रैगन छोड़ के निकालता हूँ, फिर एक साथ अपने ड्रैगन छोड़ता हूँ, और ऐसे ही मैं अटैक करता हूँ, और ऐसे ही आपको करना है अगर आपके पास लूट, अगर लूट अटैक करना चाहते हो तो। वैसे मुझे ये पता नहीं भाई टाउन हॉल 15 पे मेरा कितना टाइम निकल जाने वाला है, मुझे पता लगता है कि भाई अगला टाउन हॉल 16 आने तक मेरा टाउन हॉल 15 मैक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत पीछे हूँ। भाई इस बंदे ने जो रश किया था ना, उसके बाद मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मैं सोच रहा जैसे हो रहा है वैसे अपन अपग्रेड करते जाएंगे। तो यहाँ पे तो मैंने मेन सारी चीज़ें अपग्रेड कर दी थी, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे अटैक किया आपको सेम वैसे ही करना है, मतलब अगर आप लूटिंग के लिए जा रहे हो। देखो मैंने ऑलमोस्ट सब जो कोर चीज़ें मैक्स आउट कर ली है यहाँ पे, अब धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें हम अपग्रेड करेंगे। साथ में अपने को हीरोज पे भी फोकस रखना है, अपने पैट्स पे भी फोकस रखना है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें अपग्रेड करनी बची है। तो भाई हमें लूट तो ऐसी करनी पड़ेगी, और लूट ऐसी करनी है तो आपको ये आर्मी रखनी है। और एक चीज़, अगर एक टिप आप मानोगे मेरी बात, तो अगर आप लेजेंड वगैरह पुश नहीं करो तो सबसे बेटर है, अगर आपका टाउन हॉल रश है और आपका कम्प्लीटली मैक्स है तो आप पुश आउट कर सकते हो जैसे ही आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आपका टाउन हॉल रश है तो भाई आपको लोअर लीग्स पे रहना है, क्योंकि आपको जहाँ पे लूट ज़्यादा मिल सके। अब देखो यहाँ पे 63% डैमेज मिल गया, 66%, और गोल्ड और एलिक्सर ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, 5,500 डार्क एलिक्सर बच गया। भाई डार्क एलिक्सर किधर है, अच्छा स्टोरेज ही नहीं आया। भाई डार्क एलिक्सर ना जमा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देख लो आपको पता है एक तो कितने पैट्स है, 8 पैट्स, ऊपर से 3 हीरोज, और डार्क एलिक्सर मतलब यहाँ पे सबसे प्रीशियस है टाउन 15 पे डार्क एलिक्सर। डार्क एलिक्सर स्टोरेज आपको बचा के रखना है, कहीं से भी टाउन हॉल एक बार बाहर छोड़ दो, लेकिन डार्क एलिक्सर को आपको हमेशा बीच में रखना है। अब ये तो मेरा ऐसा वाला बेस है तो यहाँ पे आपको चलेगा, लेकिन आपको डार्क एलिक्सर बचा के रखना है। और भाई 700 जेम्स उड़ जाती, मजा आ जाता, नहीं तुम लोग को मजा आता, मेरे को मजा नहीं आता। भाई मेरे पास 3,000 जैम चाहिए, तो यहाँ पे मैंने विजार्ड टावर भी डाल दिया है, और हमने सारे बिल्डर हमने काम पे लगा दिए। आने वाले वीडियो में हम टाउन हॉल 12 वाले अपग्रेड पे भी फोकस रखेंगे, और हम टाउन हॉल 13 को टाउन हॉल 14 में भी लेके जाएंगे इस महीने के बाद।
तो बस भाई मेरे तरफ से आज के लिए तो इतना इतना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे जल्दी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।